दोस्तों आज देखिए, आज आप लोगों के साथ एक तो छोटा सा वीडियो शेयर करेंगे। देखिए इसको, ये मॉडल है वीवो का मॉडल है, पुराना मॉडल है वीवो i55। तो i55 इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, स्पीकर का साउंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए मार्केट में आप जब नया नया सामान लेकर मोबाइल में सेटिंग करते हैं ना, मान लीजिए चार्जिंग बोर्ड बोलिए, चार्जिंग फ्लेक्स बोलिए ना, तो ये सब बोर्ड में ना कभी कभी आपका खराब भी निकलता है, रिक जो होता है। आप लोग देखिए कभी कभी माइक्रोफोन भी खराब निकलता है, कभी फ्लेक्स का भी कनेक्शन भी उल्टा सीधा घुमा के भी लगा सकते हैं, इसको भी प्रॉब्लम बहुत आता है गाइस। क्योंकि देखिए मैंने इस मॉडल में वीवो i55 मॉडल में देखिए कस्टमर इसको चार्जिंग फ्लेक्स को चेंज किया, चार्ज नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ देखिए उसको तो डिस्प्ले कनेक्शन हो तो वो भी होता है, उसके बाद माइक्रोफोन होता है, स्पीकर का होता है, लेकिन इसमें अभी एक दिक्कत है, स्पीकर का साउंड नहीं हो रहा है। तो स्पीकर का साउंड जब नहीं हो रहा है तो मैंने इसको देखिए आप लोग को चेक करके दिखा दो कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। तो नया नया चार्जिंग बोर्ड, चार्जिंग फ्लेक्स जो भी आप लोग सेट कीजिए पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसको देखिए मार्केट में अभी बहुत ही खराब आ रहा है गाइस। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले मैं भी एक तो सैमसंग का मॉडल चार्जिंग बोर्ड लेकर था, सैमसंग A30S मॉडल का चार्जिंग बोर्ड लेकर था ना, चार्जिंग बोर्ड लगाने का मॉडल ऑन नहीं हो रहा है, मॉडल डेट है। मैंने सोचा था इसका मॉडल तो चालू था, इसको देखिए चार्जिंग बोर्ड नया वाला लगाने का चार्ज मॉडल चालू नहीं हो रहा है, डेट है। मैं भी सो रहा था इसका, देखिए चार्जिंग बोर्ड के लिए भी मोबाइल डेट हो गया था। तो इसलिए देखिए चार्जिंग बोर्ड में जब खोल के दूसरे उसको जब बोर्ड है उसको लगाया, फिर देखिए मोबाइल चालू हो गया। तो अभी ऐसे मार्केट में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग देखिए ध्यान से देखिए दाइस, इसमें देखिए जो ये जो पॉइंट है स्पीकर का, दो पॉइंट है ना, इसमें देखिए दोनों का दोनों पॉइंट में देखिए सेम टू सेम 3:26 इसको सेम टू सेम इसको देखिए यहाँ पे आपका जो पॉइंट है मान दिखा रहा है। तो इसको जो मान यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको देखिए दोस्तों ये दोनों का दोनों पॉइंट अभी शॉर्ट है। क्योंकि देखिए मैं आप लोग को दिखा देंगे यहाँ पे, देखिए इसके दोनों पॉइंट देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए बीप आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जीरो हो गया था, दोनों का दोनों पॉइंट अभी देखिए बिल्कुल शॉर्ट है, मतलब तो दोनों का दोनों पॉइंट एक ही है। इसलिए देखिए इस पॉइंट में जब चेक करें 3:26, इस पॉइंट जब चेक करें 3:26 दोनों का दोनों सेम टू सेम मान दिखा रहे हैं। ऊपर से देखिए मान का बात छोड़िए, यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों पॉइंट जब टच करें ना, तो इसको देखिए यहाँ पे आपका शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। तो मतलब मेरा यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी इसको जो पॉइंट है, इसको दोनों का दोनों पॉइंट अभी शॉर्ट है। चलिए मान लीजिए इसको देखिए फ्लेक्स को मैंने यहाँ पे खोल दिया, मेरा बोर्ड का अगर प्रॉब्लम हो तो शॉर्टिंग दिखाया गया, तो इसको देखिए फ्लेक्स को खोल दिया। तो फ्लेक्स खोलने के बाद भी चेक करें यहाँ पे देखिए, ये देखिए तो फ्लेक्स खोलने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों पॉइंट अभी यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नया वाला फ्लेक्स है, इसको एकदम फ्रेश न्यू फ्लेक्स है यहाँ पे। तो न्यू फ्लेक्स यहाँ पे चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों का दोनों स्पीकर पॉइंट शॉर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको देखिए मैं बोर्ड जो मेरा बोर्ड है, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए फ्लेक्स खोलने के बाद अब भी शॉर्ट दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए इसको मेरा फ्लेक्स का कनेक्शन भूल है गाइस। इसको देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे देखिए ये दोनों का दोनों यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए काम किया कंपनी, इसको देखिए जो कंपनी इसको बना के इसको भेजा है ना, तो इसको दोनों का दोनों पॉइंट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को होते मैं यहाँ पे आ रहे। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इस कनेक्शन इतना तक गया, उस साइड में कनेक्शन जाकर इस साइड में कनेक्शन ये तो सीधा आप लोग देख पा रहे। तो दूसरे पॉइंट का कनेक्शन है ये आने के बाद इधर के आ रहे, देखिए बड़ा करके इसको कनेक्शन दिया स्पीकर का देखिए। तो दोनों का दोनों पॉइंट, ये दोनों का दोनों पॉइंट इसको कनेक्शन दिया आ रहा है, यानी कि आने के बाद यहाँ पे आ रहे, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों पॉइंट देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो गलत है इसको मतलब यहाँ पे सेट किया, ठीक है। चले मैं इसको देखिए उठा दे, उसका फिर आप लोगों को शॉर्टिंग रहे थे कि नहीं यहाँ पे चेक करके दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोग इसको चेक कीजिए, क्योंकि देखिए देखो नया नया फ्लेक्स में अभी ये सब दिक्कत आ रहा है गाइस। मान लीजिए आपके पास भी ये प्रॉब्लम, अगर वीवो i55 मॉडल है, स्पीकर साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है नया फ्लेक्स लगाने के बाद भी, तो आप लोग ऐसे इसको चेक कीजिए। ये सब चेक करने के बाद आप लोग मतलब प्रॉब्लम जो है ना उसको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग दोस्तों यहाँ पे दोनों का दोनों जो रेजिस्टेंस है उठा के मैंने अभी फेंक दिया, ठीक है। तो अभी मैंने इसको चेक करके दोनों का दोनों कनेक्शन सेम टू सेम एक ही कनेक्शन हो जा रहा था, रेजिस्टेंस के कनेक्शन यहाँ पे गलती से इसको शॉर्टिंग किया था, गलती से इसको उल्टा सीधा कर दिया था, इसीलिए इसको शॉर्टिंग हो रहा था गाइस, ठीक है। तो नया नया फ्लेक्स है, न्यू फ्लेक्स है, फिर भी इसको ऐसे कनेक्शन बना के आ रहा है मार्केट में। आप मान लीजिए इसको आपके पास अगर फ्लेक्स का कोई प्रॉब्लम आया तो आप चेंज कर तो जरूर मार्केट के नया वाला फ्लेक्स लगा देंगे। तो इसको तो अगर ऐसे दिक्कत आएगा तो आप लोग को चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए, देखिए अभी दोनों का दोनों पॉइंट अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहे, अभी शॉर्ट दिखा रहा है, अभी नहीं दिखा। चलिए इसको फ्लेक्स को यहाँ पे इसको लगाते हैं, उसके बाद फिर इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे खोल दिया, फिर भी इसको पहले शॉर्ट दिखाते हैं। ये देखिए कनेक्शन इतना तक अभी सही है, ये वाला कनेक्शन इसको सही है, ये वाला कनेक्शन इसको देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह में ये वाला कनेक्शन देखिए, दोनों का दोनों पॉइंट अभी सही होगा। तो ये दोनों का दोनों पॉइंट आपस में एक बार रेजिस्टेंस के बाद से इसको जोड़ गया था गाइस, इसलिए इसको कनेक्शन को शॉर्ट हो गया था, ठीक है। इसलिए इसको कनेक्शन को क्या हो रहा था, स्पीकर का साउंड नहीं आ रहा था। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए मैंने इसको फ्लेक्स का भी मान भी दिख रहा है यहाँ पे देखिए 3:4 ऑन, हाँ इसको देखिए। चले इसको फिर भी दोबारा, ये देखिए दोनों का दोनों, ये देखिए। तो अभी देखिए दोनों का दोनों अभी देखिए शॉर्ट नहीं है, मतलब जो ग्राउंड कनेक्शन जो नेगेटिव कनेक्शन है इसको शॉर्ट अभी नहीं है, शॉर्ट को बिल्कुल अभी चला गया, मतलब मेरा स्पीकर सही अभी इसको मतलब अभी लग रहा काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग यही शेयर करने मतलब शेयर कर इसीलिए गाइस, देखिए मार्केट में आप लोग जो चार्जिंग बोर्ड बोलिए, जो फ्लेक्स बोलिए, जो भी ले रहे हैं देख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी बहुत ही शॉर्टिंग निकल रहा है। क्योंकि देखिए मैंने कुछ दिन पहले एक तो A30S का मॉडल भी चेंज किया है, चार्जिंग बोर्ड लगा मॉल डेट भी हो गया, ऐसी दिक्कत भी आ रही है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। OG बोर्ड दे दिया है लेकिन फिर भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है। चलो अभी साउंड हो रहा है कि नहीं देखते हैं, एक बार देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, देखिए अभी देखिए
यहाँ पे देखिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे साउंड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको देखिए साउंड पहले नहीं हो रहा था, स्पीकर दिक्कत नहीं था, स्पीकर भी सही था। ये जो फ्लेक्स नया वाला फ्लेक्स तो सेट किया था कस्टमर को जो टेंशन में सेट किया था ना, इसको गलती था गाइस, इसीलिए इसको देखिए स्पीकर का साउंड नहीं हो रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को जो इसलिए वीडियो को शेयर किया, आप लोग मार्केट में जो चीज़ ले रहे गाइस इसको देख के लीजिए, चार्जिंग बोर्ड बोलिए, फ्लेक्स बोलिए, माइक्रोन जो भी बोलिए आप देख के लीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी कॉपी तो अवेलेबल भी हो गया बहुत सारे, अभी मार्केट में माल भी ऐसे आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए गाइस दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, जय हिंद।